गोरखपुर जिले में लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। जिले में सोमवार को 158 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वहीं दो संक्रमितों की मौत हो गई है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में मरने वालों में 50 वर्षीय एक अधेड़ व्यक्ति और 80 वर्षीय बुजुर्ग शामिल हैं। अब गोरखपुर में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 13,039 हो गई है। 9,963 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है। वहीं जिले में अभी भी 2914 कोरोना मरीज एक्टिव हैं। इसकी पुष्टि सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की है। उन्होंने बताया कि संक्रमितों के परिजनों की जांच कराई जाएगी, साथ ही उनके संपर्क में आने वाले लोगों की तलाश शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि शहर की बात करें तो 89 नए मरीज मिले हैं। इनमें शाहपुर थाना क्षेत्र में सोमवार को सबसे अधिक 36 मरीज शामिल हैं। इसके अलावा गोरखनाथ में 15, कोतवाली क्षेत्र में 9, कैंड में 14, तिवारीपुर में 1, रामगढ़ताल में 3, गुलहरिया में 3, चिलुआताल में 2, राजघाट में 6 मरीज मिले हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो 51 नए मरीज मिले हैं। इनमें ब्रह्मपुर में 2, बटट में 3, चरगवां 11, गगा में 7, गोरखोराबार में 3, पिपराइच में 6, पिपरौली में 7, सहजनवा में 4, उरवा में 1, खजनी में 1 मरीज मिले हैं। इसके अलावा अलग अलग थाना क्षेत्र में 18 मरीज और शामिल हैं। इसकी पुष्टि करते हुए सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि जिन जगहों पर कोरोना संक्रमित मरीज पाए हैं वहाँ पर सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है, साथ ही लोगों से विशेष सावधानियों को बरतने की अपील भी की जा रही है।